हेलो दोस्तों, बचपन से हम स्कूल की किताबों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते आए हैं। अतः उनके बारे में सामान्य जानकारी हर कोई जानता है, लेकिन गांधी जी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हर किसी को जरूर पता होनी चाहिए, लेकिन आज भी कई लोग नहीं जानते। तो आइए जानते हैं गांधी जी के बारे में ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। ये तो सभी जानते हैं कि गांधी जी का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि गांधी जी की शादी उनसे एक साल बड़ी कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी, और शादी की प्रथाओं को पूरा करने में उन्हें पूरा एक साल लगा, और इसी कारण से वह एक साल तक स्कूल नहीं जा पाए थे। उन्होंने सदैव अहिंसा को महत्व दिया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये कम ही लोग जानते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1899 के एंग्लो बोयर युद्ध में स्वास्थ्यकर्मी के तौर पर मदद की थी। वहीं उन्होंने जब युद्ध की विभीषिता देखी थी और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे। अहिंसा की बात नकली है, क्या ये सच है या झूठ? तो आपको बता दें कि शांति का नोबेल पुरस्कार गांधी जी को अब तक नहीं मिला है। जी हाँ, हालांकि उन्हें कुल 5 बार अभी तक इसके लिए नॉमिनेट जरूर किया गया है। महात्मा गांधी ने जिस देश से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने उनके निधन के 21 साल बाद उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में कुल 3 फुटबॉल क्लब स्थापित करने में मदद की थी। भारत में छोटी सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो देश में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया जाने वाला जो सिविल राइट्स आंदोलन था, वह कुल 4 महाद्वीपों के अलावा कुल 12 देशों तक पहुंचा था। दिल्ली के पास 30 जनवरी मार्ग पर महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी के अंतिम 144 दिन बिताए थे, और इसी जगह 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यातायात के हल्के शोर के बावजूद आज भी यहाँ की शांति भंग नहीं हुई है। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो उनकी 100 यात्रा में कितने लोग शामिल थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी 100 यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। सफेद धोती पहने गांधी जी पर 3 बार गोलियां दागी गई, लेकिन आसपास मौजूद लोगों को उस वक्त भी इसका पता नहीं चला। उन्हें गोली लगने का पता तब चला जब उनकी सफेद धोती पर खून के धब्बे नजर आने लगे। 1931 में महात्मा गांधी ने पहली बार रेडियो पर अपना भाषण दिया था। उनके पहले शब्द थे, क्या मुझे माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा? जिस दिन भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस दिन महात्मा गांधी वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस दिन उनका उपवास था। महात्मा गांधी के चश्मे की नीलामी 260,000 पाउंड करीब 2,55,00,000 रुपये में हुई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।